और आपके फेस्टिवल्स की हो चुकी है। आपकी नवरात्रि है, है और इसके बाद दशहरा दिवाली बहुत सारे फेस्टिवल आने वाले है और आप सभी उन फेस्टिवल्स को पूरे तरीके से एंजॉय भी करना चाहेंगे बट साथ ही साथ बैक ऑफ द माइंड टेंशन भी रहेगी अपकमिंग एग्जामिनेशन को लेकर हमारे बहुत से एग्जामिनेशन है अभी लाइंड अप है स्टार्टिंग विद यूजीसी नेट एचपीएससी पीजी टी कॉमर्स आर एस पीजी टी कॉमर्स आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर तो काफी सारे एग्जामिनेशन जल्दी कंडक्ट होने वाले हैं तो ऐसे में प्रिपरेशन को और अपना जो फेस्टिवल वाला जो चार में उन दोनों को कैसे मैनेज किया जाए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है मैं आपको ये नहीं कह सकता कि पूरे तरीके से प्रेपरेशन करो और फेस्टिवल को भूल जाओ क्योंकि ऐसा करना नेक्स्ट टू इम्पोसिबल है ऐसा तो आप सभी नहीं कर सकते हैं हर किसी को थोड़ा बहुत फेस्टिवल्स में तो पार्टिसिपेट करना ही पड़ता है और मैं आपको ये भी नहीं कह सकता कि प्रिपरेशन को भूल जाओ प्रिपरेशन को छोड़ दो और पूरा पूरा जाके फेस्टिवल्स को एंजॉय करो पढ़ाई तो होती रहेगी फेस्टिवल साल में एक बार आते हैं एंजॉय करो तो मैं आपको ऐसा भी नहीं बोल सकता मेरा मानना तो ये है कि अगर आप अपने गोल को अचीव करते हैं एग्जामिनेशन को क्रैक करते हैं तो आपकी दिवाली तो मेन तभी मनाई जाएगी आप तभी खुल के एंजॉय कर पाएंगे आपके जीवन में खुद दिवाली जैसा जो माहौल मेंटेन करना बहुत जरूरी है पूरा दिन पढ़ाई नहीं कर सकते पूरा दिन फेस्टिवल को एंजॉय भी नहीं करना आपको एक बैलेंस बना लेना आप अपने जो टारगेट है से, उनको सेट कीजिए और उनको लेकर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहिए आप अपना एंजॉयमेंट का टाइम फिक्स कर लीजिए कि आपने एंजॉय इतना टाइम करना है बट साथ ही साथ पढ़ाई का जो टाइम है उसे भी फिक्स कर लीजिए अपने टारगेट्स डिफाइन कर लीजिए कि आज मुझे ये चीजें पढ़नी है आज मुझे ये टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं और उनको फटाफट -फड़ से कंप्लीट कीजिए और फिर जाइए एंजॉय कीजिए अपने फेस्टिवल को सेलिब्रेट कीजिए बाजार घूमिए दोस्तों से बातें कीजिए बट पहली प्रायोरिटी शुड बी योर गोल योर टारगेट तो आपकी लाइफ में प्रायोरिटीज का होना बहुत जरूरी है और यहाँ पे भी आपकी जो पहली प्रायोरिटी है वो आपकी आपकी पढ़ाई आपका गोल आपकी जो प्रिपरेशन है वही होनी चाहिए और उसके बाद आधा दिन आपने पढ़ाई की अपना करोगे, पूरा करोगे, तो बाद में आपको ज्यादा स्ट्रेस और ज्यादा टेंशन भी हो जाएगा तो इसीलिए मेरी एडवाइस यही रहेगी कि बैलेंस्ड अप्रोच लेकर चलो दोनों चीजों को साथ साथ लेकर चलो

तो माय डियर फ्रेंड्स हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में टिल देन गुड बाय टेक केयर ऑल द बेस्ट